मुगल बादशाह अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनको जब हम याद करते हैं तो उनको याद करते हुए अगर हम ऐसे याद करेंगे तो हमें याद करने में काफी कठिनाई होगी। इनको हम ऐसे याद नहीं रख सकते हैं। अगर इनको ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए तो यह सभी आसानी से याद हो जाते हैं। तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, नवरत्नों की कुल संख्या 9 थी, और ये जो है उनके दरबार में जो मंत्री, महामंत्री, सेनापति, न्यायाधीश, जो न्यायाधीश इत्यादि इनको पद मिले हुए थे। इनको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है, इसे हम समझेंगे। तान मान वीर फौजी हटो रहीम फजल मुल्ला। तान मान वीर फौजी हटो रहीम फजल मुल्ला। तान माने तानसेन, मान माने मानसिंह, वीर माने वीरबल, फौजी माने फैजी, हा माने हकीम हुकाम, टो माने टोडरमल, रहीम माने अब्दुल रहीम खान खाना, और फजल माने अबुल फजल, और मुल्ला माने मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला माने मुल्ला दो प्याजा। तो ये कुछ इस तरह से जो थे, मुल्ला माने मुल्ला दो प्याजा। अब जो है, जो मुगल बादशाह अकबर से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर हम यहाँ पर उनको भी जानेंगे। जैसे कि अकबर जो थे वो अनपढ़ थे, यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे, एक अनपढ़ शासक था। अकबर नामा और आईने अकबरी ये जो है अबुल फजल ने लिखी थी। दीन इलाही धर्म जो है ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसे अपनाने वाला प्रथम तथा अंतिम हिंदू वीरबल था। टोडरमल जो था ये राजस्व मंत्री थे, जबकि मानसिंह जो थे ये सेनापति थे। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसीलिए मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार देती है। अकबर ने जो है रामायण और महाभारत, जो कि ये दो भारत के महाकाव्य हैं, इनका फारसी में अनुवाद कराया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था, फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की थी। तो अगर वीडियो की ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।